नमस्कार, द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 8 पुलिस कर्मियों की मौत का हत्यारा, गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने रिपोर्ट मांगी। देश में कोरोना वायरस के मामले एक दिन में 26,000 से ज्यादा दर्ज, और दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता की याचिका के जवाब पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। और खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पुलिस का कहना है कि दरअसल जिस गाड़ी से विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था वो दुर्घटना का शिकार हो गई। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि शुक्रवार सुबह गाड़ियों के काफिले के साथ विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था। इस काफिले में विकास दुबे दूसरे नंबर की गाड़ी में सवार था, लेकिन सड़क दुर्घटना में विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, जिसके बाद उसने मौके का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश की। भागते हुए उसने घायल पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर वो भागने लगा। पुलिस ने उसे रुकने की और आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने भागते हुए पुलिसकर्मियों पर कई राउंड गोलियां चलाई हैं, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि उसने आत्मरक्षा में विकास दुबे को मार गिराया है। आपको बता दें कि विकास दुबे जो है वो उत्तर प्रदेश का एक नामी हिस्ट्री शीटर रहा है। उसके ऊपर 60 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने बयान में ये भी कहा है कि इसके बाद विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान विकास दुबे ने दम तोड़ दिया। जबकि जिस अस्पताल में विकास दुबे को भर्ती कराया गया था, वहाँ के अस्पताल ने बयान जारी कर कहा है कि विकास दुबे ने अस्पताल आने से पहले ही दम तोड़ दिया था, यानी अस्पताल आने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। आपको बता देते हैं कि दरअसल कानपुर में जो छापेमारी हुई थी विकास दुबे के घर पर, उसके बाद से वो फरार चल रहा था। इस मुठभेड़ में उसने 8 पुलिसकर्मियों को अपने सहयोगियों के साथ मार गिराया था, जिसके बाद से वो लगातार फरार था। और अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में गरीब आदिवासी परिवार की नाबालिग बच्चियों से अवैध खदानों में मजदूरी कराने के एवज में जिस्म फरोशी कराए जाने का मामला सामने आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पता चला है कि चित्रकूट में 12 से 14 साल की बच्चियों से जिस्म फरोशी कराई जा रही है। ये बच्चियाँ जब खदानों में कॉन्ट्रैक्टर्स या बिचौलियों के पास काम के लिए जाती हैं, तो उन्हें शर्त पर काम दिया जाता है कि जिस्म फरोशी के काम में लगेंगी, और इसके लिए इन्हें 150 से 200 रुपये दिए जाते हैं। इन बच्चियों के परिवारों को इसकी जानकारी है, लेकिन गरीबी इतनी है कि लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया रिपोर्ट की इस पड़ताल में ये भी सामने आया है कि इन खदानों के पीछे इन ठेकेदारों ने जिस्म फरोशी के लिए कुछ बिस्तर लगा रखे हैं, जहां पर इन बच्चियों को एक एक करके लाया जाता है और इस काम में इन्हें लगाया जा रहा है। मजबूरन इन बच्चियों को इस काम में धकेला जा रहा है, और जब ये बच्चियाँ इनकार करती हैं जिस्म फरोशी करने से, तो इन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि इनके परिवार के साथ कुछ अनहोनी किए जाने की इन्हें धमकी भी दी जाती है। आपको बता दें कि जब इस मामले ने तूल पकड़ा, तो चित्रकूट के जो DM हैं, हालांकि उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल जो ये आरोप है और जो ये रिपोर्ट है एक निजी न्यूज़ चैनल की, वो गलत है। क्योंकि जब उन्होंने इन पीड़ित परिवार वालों से, इन बच्चियों से बात की, तो उन्होंने सरासर इन चीज़ों से मना कर दिया कि ऐसा कुछ इन लोगों के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर चित्रकूट के DM के इस बयान के बाद इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल आयोग ने दरअसल जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। उनसे कहा है कि ये अत्यंत गंभीर मामला है और इस पर तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। और अब अगली खबर। देश में कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 7,93,000 से ज़्यादा हो गई है। यानी भारत में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कभी भी 8 लाख का आंकड़ा छू सकते हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 475 मौतें हुई हैं, जिसके बाद देश में कुल मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 21,604 हो गई है। अब तक देश में करीब 5 लाख लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर देश में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का प्रकोप सामने आया है। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,22,00,000 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5.5 लाख से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, रूस और पेरू, ये 5 देश हैं जहां पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। अब अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कोरोना वायरस के 31,00,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि वहां पर कोरोना वायरस से अब तक 1,33,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 17,00,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहां पर कोरोना वायरस से 69,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अब रुक करें रूस का, तो रूस में कोरोना वायरस के मामले 7 लाख से ज्यादा है, वहां पर 11,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पेरू की बात करें तो पेरू में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहां पर जो मृतकों की संख्या है वो 11,000 से ज्यादा बनी हुई है। चिली की बात करें तो चिली में कोरोना वायरस के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहां पर अब तक कोरोना वायरस से 6,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है ब्रिटेन का, जहां पर कोरोना वायरस से अब तक 44,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता दिवंगना कलिता की याचिका पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस द्वारा हलफनामे में कलिता पर लगाए गए जो आरोप हैं वो बिल्कुल गलत है। अदालत कहती है कि हमें नहीं पता कि दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में जो आरोप लगाए हैं वो किन तथ्यों पर आधारित हैं, लेकिन कुछ आरोप जो हैं वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ढंग से लगाए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले दिवंगना कलिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी मांग की थी कि दरअसल दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाएँ कि जब तक उनके खिलाफ मामला पेंडिंग है, मामला लंबित है, तब तक उनके द्वारा उन पर लगाए गए जो आरोप हैं वो मीडिया में लीक ना किए जाएँ। आपको बता दें कि कलिता के ऊपर कुल 4 FIR दर्ज हैं, जिसमें से एक दरियागंज में विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हुई है, जबकि बाकी की जो 3 FIR हैं वो दिल्ली के जाफराबाद में CA के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़ी हुई है। वहीं पर कलिता के अलावा पिंजरा तोड़ की एक अन्य कार्यकर्ता नताशा नरवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, और उन्हें भी 23 मार्च को दिल्ली हिंसा से जुड़े हुए एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कलिता और नरवाल दोनों JNU की छात्राएं हैं। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। द वायर के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।